नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैरो कार्ड विद कृष्णा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मई 2019 का मासिक राशिफल। आइए चलते हैं हमारी पांचवी राशि सिंह राशि और जानते हैं सिंह राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं। मेरे पास जो पहला कार्ड सिंह राशि आपके लिए है वो है सिक्स ऑफ द सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ द कॉइंस, तीसरा कार्ड आपके लिए है द मून, चौथा कार्ड आपके लिए है द शैरियट और पांचवा कार्ड आपके लिए है नाइन ऑफ द कॉइंस। आपके लिए जो कार्ड अपराइट में आया है वो है सिक्स ऑफ द कॉइंस और जो कार्ड आपके लिए नेगेटिव में आया है वो है एट ऑफ द कॉइंस। तो चलिए देखते हैं कि सिंह राशि के लिए ये महीना क्या लेकर आया है और कैसा रहने वाला है। शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं बहुत ही वर्सेटाइल वे में अपने चैनल को चला रहा हूं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है, मोटिवेशन से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, और अब एक नया सेक्शन भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। खैर वो बात की चीज है, पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिंह राशि के लिए ये चीजें कैसी रहेंगी, यानी कि ये महीना क्या करने वाला है, कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, इस महीने आप थोड़ा सा दुविधा का शिकार हो सकते हैं। इस महीने आप ऐसा सोच सकते हैं कि जीवन आपको जिस राह पर ले जा रहा है उसके ठीक विपरीत आपको जाना चाहिए, या जिस ओर आप जा रहे हैं वो सही नहीं है और आपको वहां से मुड़ करके उसके अपोजिट में निकल जाना चाहिए। आप समझ नहीं पाएंगे, आप मूड स्विंग का शिकार होंगे इस महीने, आप अचानक ही दुख का अनुभव करेंगे और अचानक ही उस दुख से अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे। जी हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि दुख से सुख में आ जाएंगे, आप अपने आप को खींचकर बाहर निकाल लेंगे, ये आप खुद से करेंगे। क्वीन ऑफ द कॉइंस, सिक्स ऑफ द सोर्ड्स आपके लिए आए हैं। सिक्स ऑफ द सोर्ड्स ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर किसी बीमारी से या किसी समस्या में आप फंसे थे, घिरे थे पिछले कुछ समय से, तो इस महीने उन सारी चीजों से आपको न सिर्फ निजात मिल जाएगी बल्कि उनसे आप बाहर आ जाएंगे और आपका बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप धन से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे थे तो इस महीने धन से संबंधित समस्या आपके सामने नहीं आएगी। हालांकि धन को कहां लेकर जाएं, कहां इन्वेस्ट करें, कहां पर लगाएं, इसके बारे में आप बहुत परेशान रहेंगे। और अगर आपने किसी व्यक्ति से सलाह वगैरह इस महीने लेने की कोशिश करी तो आप देखेंगे कि इस महीने में हंसी दे रहा हूं, क्योंकि उस व्यक्ति की जो सलाह है वो आपकी दुविधा को खत्म करने की बजाय दोगुना कर देगी। तो थोड़ा सा सलाह लेने से बचें, इस महीने अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस महीने जिस तरह के मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप अपने आप से सलाह लें, अपने आप से बातचीत करें, तो आपका बहुत फायदा होगा, आप अपने आप को अच्छी राय दे पाएंगे। नाइन ऑफ द कॉइंस, सिक्स ऑफ द कॉइंस और एट ऑफ द कॉइंस यहाँ पर अपीयर हुए हैं, जो ये बताते हैं कि इस महीने अगर आप सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर दें या सही जगह पर अपने व्यापार में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उधार मत दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट, उधार का मतलब उधार। उधार नहीं दीजिएगा, इन्वेस्ट करना हो तो कर दीजिएगा, उधार के लिए बिल्कुल सावधान रहिए और वो नहीं करिएगा। इसके अलावा परिवार में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि कई बार परिवार के लोग आपके इस मूड स्विंग का शिकार हो सकते हैं, उनको आपकी ओर से कुछ सुनने को मिल सकता है, वो दोनों तरीके का हो सकता है, फायदे वाली भी चीज सुननी मिल सकती है, नकारात्मक भी। वो उस समय के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपका मूड स्विंग किस ओर है, प्लस की ओर है या माइनस की ओर। खैर, द शैरियट का कार्ड यहाँ पर आया है जो ये बताता है कि जब आप दुविधा फील करें और आपको रास्ता ना मिले, आपको समझ में ना आए कि इस दुविधा से निकलने के लिए आपको करना क्या चाहिए, तो आप कैसे इससे बाहर निकलेंगे। इससे बाहर निकलने का तरीका है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब हुआ कि जो रास्ता सही हो, जो दिल कहता हो कि सही है, यानी कि भले उस रास्ते पर आपको लॉस दिखता हो, नुकसान दिखता हो, आपको लगता हो कि ये रास्ता है तो सही, मैं अगर इस तरफ जाऊं तो ठीक है, ये सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से सही है लेकिन यहाँ नुकसान हो जाएगा, तो भी आप उसी पर जाएं, वहां आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि सराउंडिंग कार्ड्स पॉइंट्स के आए हैं जो बेनिफिट को खींच करके लाएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपने इनिशियल बेनिफिट के लिए गलत रास्ता चुना तो आपका जबरदस्त नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए जब दुविधा में फंसे, दो में से एक को चुनना हो,
तो जो सही है वो चुनें, अपने फायदे को नजरअंदाज करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स की ओर से ये देखा जाएगा और आपकी इस दरिया दिली के लिए आपको बेनिफिट दिया जाएगा। प्रेम संबंधों को लेकर भी थोड़ी सी दुविधा इस महीने रहेगी। अगर प्रेम संबंधों को लेकर इस महीने आप दुविधा का सामना करते हैं तो इस महीने थोड़ा सा टाल मटोल का रवैया और डिसीजन को नहीं लेने का रवैया आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी प्रेम संबंधों से जुड़े किसी भी निर्णय को ना लें अगर दुविधा की स्थिति आती है तो। ये पूरा महीना निकल जाने दीजिए। इसके अलावा किसी भी तरह का प्रॉमिस अपने प्रेमी या प्रेमिका से मत करिएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो वहां भी यही शर्त लागू होगी, किसी भी व्यक्ति से ऐसा प्रॉमिस मत करिएगा जो फ्यूचर में आपके लिए लॉसफुल हो, नुकसानदेह हो। द मून का कार्ड थर्ड पोजीशन पर आया है जो ये बताता है कि इस महीने आप मानसिक रूप से थोड़ा प्रताड़ित भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सारी प्रताड़ना इंटरनल चलेगी, अंदर ही अंदर चलेगी, अंदर ही अंदर आप अपने आप से परेशान रहेंगे, आपके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आएंगे। उन सब से बचने का बहुत आसान सा रास्ता आपको बताता हूँ। सूरज के अस्त होने के बाद में थोड़ा सा मिल्क लें, और मतलब सिंपल मिल्क लेना है, आप गर्म ठंडा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सूरज डूबने के बाद में छोटा सा अगर आप मिल्क नहीं पीते हैं तो एक कप में आधा कप ले लें, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल मई 2019 का। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।